विचारे गुरबाणी विच अज असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 584 उत्ते अंकित शब्द एहो शरीर जजरी है इस नूं जर पहुंचै आए गुर राखे से उपरे होर मर जम्मै आवै जाए दी विचार करांगे। ये शब्द साहिब श्री गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया होया है जो कि वडहंस राग अधीन अंकित है। आओ सर्वण करते हैं ये शब्द अते इसकी विचार। यो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचे आए गुर राखे से उपरे होर मर जम्मे आवे जाए होर मर जम है आव है जाव है अंत गए पछताव है बिन नामे सुख ना होई एथे कमावे सो फल पावे मन मुख है पत खोई जमपुर कोर अंधार महागुबार ना तिथे भैन ना पाई एह शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचे आई। हे भाई ये शरीर पुराना हो जाने वाला है इसनू बुढ़ेपा जरूर आ दबांदा है पर मनुख इस शरीर दे मोह विच फसिया रहिंदा है। जिन्हां मनुखां दी गुरु ने रक्षा कीती ओह मोह विच गर्क होण तों बच जांदे हन। जिहड़ा मनुख गुरु दी शरण नहीं आंदा ओह इस शरीर दे मोह विच फस के मरदा है जमदा है जमदा है मरदा है। गुरु दी शरण ना पैण वाले मनुख शरीरक मोह विच फस के मुड़ मुड़ जमदे मरदे रहिंदे हन अंत वेले जांदे होए हथ मलदे ही रह जांदे हन। परमात्मा दा नाम सिमरन तों बिना उहनां नूं कदे सुख नसीब नहीं हुंदा। हे भाई इस लोक विच मनुख जिहड़ी करनी करदा है उही फल भोगदा है। अपने मन दे पिछे तुरन वाला मनुख इस लोक विच अपनी इज्जत गवा लैंदा है। जमराज दी पुरी विच वी परलोक विच वी उसदे आत्मक जीवन वास्ते कुप हनेरा बहुत हनेरा ही टिकिया रहिंदा है। इस दुनिया वाला कोई भैण भरा उस लोक विच सहायता नहीं कर सकदा। हे भाई हे शरीर पुराना हो जाण वाला है इसनू बुढ़ापा जरूर आ जाता है पर मनुख इस शरीर दे मोह विच फसिया रहिंदा है। गुरु की कृपा सदका मनुख शरीर के मोह विचों निकल सकता है ते जन्म मरण के चक्रा विचों हमेशा नहीं निकल सकता है। काया कंचन तांथिए जा सतगुरु ले मिलाए प्रम माया विचों कटिए सचड़े नाम समाए सच्चे नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहे दिन राती विचो होमे जाए जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिन कै हों लागो पाए काया कंचन तांथिए जा सतगुर ले मिलाए। हे भाई मनुख दा एह शरीर तदों सोने वांग पवित्र हुंदा है जदों गुरु मनुख नूं परमात्मा दे चरणां विच जोड़ देंदा है। तदों मनुख सदा थिर रहण वाले परमात्मा दे नाम विच लीन हो जांदा है ते इस दे अंदरों
माया की खातर भटकना दूर हो जाती है। मनुख सदा थिर प्रभु के नाम विच लीन हो जाता है, परमात्मा के गुण गाँवदा रहा है, प्रभु प्रीतम मिल के आनंद माणता है। इस आनंद दिन रात सदा टिका रहा है, तो इस दे अंदरों होमे दूर हो जाती है। हे भाई, जिन्हों मनुखा ने परमात्मा के नाम विच चित जोड़िया है, मैं उन्होंने चरणी लगता हाँ। मनुख का यह शरीर तदों सोने वांग पवित्र हो जाता है जदों गुरु मनुख को परमात्मा के चरणों में जोड़ देता है। वाहेगुरु का नाम विकारां नाल भरे मन को कंचन वर्गा सोहना बना देता है। गुरु कृपा सदका मनुख के अंदरों माया की भटकना सदा लई खत्म हो जाती है। सो सच्चा सच सलाही है, जे सतगुरु दे बुझाए, बिन सतगुर परम पुलाणिया, क्या मोह देसन आगे जाए। क्या देन मोह जाए, आप गुण पछताए, दुख दुख कमाए, नाम रतिया से रंग चलूला, फिर कै अंक समाए। तिस जेवड़ अवर ना सूजई, किस आगे कही है जाए। सो सच्चा सच सलाही है, जे सतगुरु दे बुझाए। हे भाई, उस सदा कायम रहने वाले परमात्मा दी सिफत साला तदों ही कीती जा सकती है जे गुरु सिफत साला करन दी अकल दे देवे। गुरु दी शरण तो बिना जीव इस्त्रियां माया दी पटकना विच पैके कुराहे पै जांदियां हन, ते परलोक विच जाके शर्मसार हुंदियां हन। परलोक विच जाके ओ मुंह नहीं विखा सकदियां। हे भाई, जेड़ी जीव इस्त्री औगुण विच फस जांदी है, ओह आखर पछताउंदी है, ओ सदा दुख ही दुख सहेड़दी है। परमात्मा दे नाम विच रंगियां होईयां जीव इस्त्रियां परमात्मा दे चरणां विच लीन होके गूढ़े प्रेम रंग विच मस्त रहिंदियां हन। हे भाई, उस परमात्मा दे बराबर दा जगत विच होर कोई नहीं दिसदा। इस वास्ते परमात्मा तो बिना किसे होर अगे कोई दुख सुख दस्या नहीं जा सकता। पर उस सदा कायम रहने वाले परमात्मा दी सिफत साला तदों ही कीती जा सकती है जे गुरु सिफत साला करन दी समझ बख्श देवे। सदा कायम रहने वाले प्रभु नूं गुरु दी कृपा सदका पाया जा सकता है। जीवन दियां सारियां भटकणां गुरु कृपा सदका ही दूर हो सकदियां हन। जिने सचड़ा सच सलाहया, हों तिन लागों पाए, से जन सच्चे निर्मले, तिन मिलिया मल सब जाए। तिन मिलिया मल सब जाए, सच्चे सरनाए, सच्चे सहज सुभाए, नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुर दिया बुझाए। अंदिन भगत करे रंग राते, नानक सच समाए। जिनी सचड़ा सच त्याया, हो तिन कै लागो पाए। जिन्हां ने सदा थिर प्रभु दी सिफत सलाह कीती, मैं उन्हां दे चरणी लगदा हां। ओह मनुख अडोल चित हो जांदे हन, पवित्र हो जांदे हन। उन्हां दा दर्शन कीतियां विकारां दी सारी मैल दूर हो जांदी है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਕੂੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਿਜ਼ਨ 1469 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।